तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जो जेड पे सेट ना हमारे हैन का हमारे मैकेट सेट वहाँ से जहाँ जो लीडर था लीडर के पास ढेर सारे सेट के एल्डर्स डिसाइपल्स और साथ ही में कई सेट के उधर लीडर्स लोग यहाँ पर आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए। जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था ना उसने उनके सेट की बैंड यहाँ पे बजा दी थी, वही कहते तो प्लीज़ भाई हमारी यहाँ पे मदद करो उन्हें ग्रेट पाइथन हमको पूरा यहाँ पे बर्बाद कर देगा। तो कुछ सेट वाले कहते यार हम सब मिल के भी ग्रेट पाइथन का मुकाबला यहाँ पे नहीं कर पाए, फिर जेड पे सेट में यार ऐसी कौन सी बहुत ही खास बात है जो हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे कर सके, यानी आपस में लोग बहस यहाँ पे करे थे। तो अपना जो लीडर यहाँ पे था ना वो लीडर यहाँ पे कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आपस में झगड़ा करके कोई भी मतलब होने नहीं है। आई डोंट नो यार हमारे पास उतनी पावर है या नहीं है, लेकिन हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे करने का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लो। और ये बात ग्रेट पाइथन का, तो वो अगर हमारे पास आए हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले काफी सारा टाइम उसको डिले यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे रास्ते के बीच में ढेर सारे और भी सेट और ढेर सारे अलग अलग डिनेस्टी आते हैं, सबसे पहले उनके पास सामने करेगा तब जाके आएगा। तो हमको जब तक ना काफी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। जो सुंदर बाकी लीडर्स कहते हैं हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जब तक हम लोग कोई प्लान बना लेंगे या स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे इन्वाइट कर लेंगे जिसके बाद से हम लोग जीतेंगे। एक बंदा बड़ा एक्साइटेड होकर कहता है या 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 रास्ते में ढेर सा जो सेट आता ना वही पकड़ उसको बर्बाद कर देंगे, शायद हमको कुछ यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बंदा अनलकी था, ये जो कुछ बोलता ना हमेशा उसका उल्टा होता था। तो बाकी सब कहते हैं साले भाई तू तो मुंह में लेके बढ़ जा, तुझे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में खबर आती है थोड़े समय बाद इस लीडर के पास और कहते हैं अरे बाप रे ग्रेट पाइथन ने भाई ढेर सारे और सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया यार, बॉडी इंटीग्रेशन का नोवेल लेवल पे जा चुका है और बहुत जल्दी ट्यूलेशन स्टेज पे भी यहाँ पे जाने वाला है, यानी भाई उसको रोक पाना हमारे लिए भी काफी मुश्किल होगा। अब आते हैं भाई हमारे मेन कैट के पास। याद है लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, वो जो मास्टर के बारे में जैसा पूछते कि अभी वाकई में आपके बीच में खाली मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप है ना ज्यादा क्लोज तो नहीं ना है, तो हैन की फटके चार हो जाती अरे बाप रे मैं तो वाकई में उनको लाइक करता हूँ अब सामने से क्या बोलूँ, इसलिए पूरा ऐसा जोश में आता है और कहता सुनो मेरी जान हाँ मैं लाइक यहाँ पे करता हूँ और देखो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, एक कल्टिवेटर हूँ ऊपर से एक स्पेशल सा कल्टिवेटर हूँ पूरे स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो ठहरा, इसलिए मैं जैसा आदमी अगर आगे चल के तीन चार बीबियां यहाँ पे रख भी लेगा ना तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आगे चल के और शादी कर सकता हूँ तो आगे चल के भाई साहब किसी के साथ भी शादी करूँ, लेकिन तुम भाई पहली यहाँ पे रहोगी, वो पहली रहोगी जिसके साथ मैंने शादी की जिसके साथ मैंने मजा किया और तुम्हारा जो मेरे दिल में जगह ना वो नंबर वन था नंबर वन है और आगे भी नंबर वन ही रहेगा। जो सुनते सामने ये भी कह दिए क्या बात करो सची में मुझे भी वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आगे चल के आपकी वाकई में तीन या चार बीबियां यहाँ पर आ गई, मैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ तीन चार यहाँ पर और भी आ जाए उनके साथ भी घूमूं फिरूं बैठूं मस्ती करूं बातचीत करूं मजा ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपने बोला ना कि आपके दिल में मेरे लिए नंबर वन जगह यहाँ पे रहेगा, हाँ नंबर वन यहाँ पे जगह रखेगा, बाकी को नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर यहाँ पे दीजिएगा। तो ये सारी बातें ना डिसाइपल और मुर्गा भी बाहर से यहाँ पे कान लगा के सुने जा रहे हैं और कहते हैं सुन रहे विनोद अंदर साइड यहाँ पे क्या चल हुए, ये कल्टिवेटर इनके यहाँ चलता है, ये अगर कोई नॉर्मल फैमिली होता और हस्बैंड सामने से कहता क्या भाई तीन चार बीबियां यहाँ पे ला रहा हूँ यार महाभारत वहाँ पे चालू हो जाती है। फिर अंदर साइड से आवाज आता है इनका ये कहते हुए अरे हॉन्शन तुम क्या करियो मेरे कपड़े काय को उतारियो और अपने भी काय को उतारियो, वो कहती है कल्टीवेशन करने के लिए, ये कहता है यार ऐसा कौन सा कल्टीवेशन होता है, वो कहती है ऐसे डुओ कल्टीवेशन होता है। यानी ये दोनों को जैसे ये सारी बातें सुना देती ना ये दोनों तो एक्साइटेड के चलो भाई कुछ बहुत ही बढ़िया हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन तभी अंदर से जोर से आवाज आती है एक अटैक का, यानी हमारे मेक अटैक ने एक अटैक का नाम लिया। ये लोग भी हैरान हो जाते हैं भाई क्या ये अपनी बीवी पे अटैक करेंगे, नहीं वो अटैक इनके ऊपर करके इनको भगाता है, वो सोचते कि बाल बाल यार मैंने उनको भगा दिया यार वरना मेरी इज्जत की धैया यहाँ पे उड़ जाती है। उसके बाद से टोटल एक महीना, हाँ भाई एक महीने तक वो आराम से यहाँ पे करते हैं, एक महीना करने के बाद ना सामने से हॉन्गशन कहती कि ओके ठीक है मजा गया बाद में कुछ सालों बाद यहाँ पर आऊँगी आराम से अपना कल्टिवेशन कीजिए मैं भी चली दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। सामने से ये भी सोचते कि यहाँ पर जा चुकी है यार ग्रेट पाइथन का खतरा अभी भी बना हुआ है, मुझे बॉडी इंटीग्रेशन के आठवें लेवल पे फटाक से जाना पड़ेगा। और तभी इसको और कोई अजीब सी आवाज़ आती है जो नई नई आवाज़ थी इसने कभी सुनी नहीं, ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये किसका आवाज़ है, नवे डिसाइपल का है, हॉन्गशन भी चली गई, मुर्गे का भी आवाज़ नहीं है तो ये किसका है। जैसे आवाज आता है एक पौधा यहाँ पे था, अगर आपको याद हुआ एक पौधा इसने लगाया था ना जो पौधा बड़ा स्पेशल था वो बेसिकली कह रहा था, हाँ उसके मुँह पे भी आँख मुँह यहाँ पे निकल चुका था, वो सामने से कहता मास्टर ये तलवार निकाल के उसको परख देता, वो कहता भाई तू बोल कैसे सकता है ऐसा तो नहीं तेरे अंदर किसी शैतानी आत्मा यहाँ पे घुस चुकी है, वो सामने से डर जाता कहता नहीं 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 कोई शैतानी आत्मा नहीं घुसी है, मैं काफ़ी लंबे समय से बोल सकता हूँ मैं कह भी सकता हूँ मुझे काफ़ी सारी मेमोरी भी यहाँ पे याद है। तो जैसे ये सुनते कि भी मेमोरी याद है कहीं ऐसा तो नहीं ये जो पौधा ना भाई ये भी कोई कमाल का बंदा होगा जिसका रीइनकार्नेशन रूप है, सामने सो कहता ना 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 मैं किसी कमाल के बंदे का रीइनकार्नेशन रूप यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे बस याद है मेरा कोई मास्टर यहाँ पे था जो मेरे साथ लगभग 100 सालों के लिए बैठा था और उसके बाद वो शायद यहाँ पे चला गया। हैन को याद आता है हाँ हाँ मुझे याद है जब इसको मुझे मिला था ना तो
सिस्टम ने इसके बारे में लिखा था, एक नॉर्मल सी ग्रास हुआ करती थी, बाद में कोई बड़ा कमाल का कल्टिवेटर इसके पास यहाँ पे बैठा था, जिसके बाद से इसके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर आ गई और जिसके बाद से ये स्पेशल ग्रास यहाँ पे बन गया। ये तो इसके पास बैठते उसका जो और है ना उसका और इसको लगा और ये यहाँ पे बोलने लगा, मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं था ये आगे चल के यहाँ पे बोलेगा भी। सामने से कहता प्लांट की वेल, हाँ वो बैठा, उसके बाद से भाई मेरे अंदर शायद यहाँ पे जान प्राण फिर निकल गया। उसके बाद से ना भाई मैं कई बार यहाँ पे ऐसा बर्बाद हुआ, किसी मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया, मैं वापस से जिंदा हुआ, फिर से बर्बाद हुआ, फिर से कभी किसी ने खा लिया, वैसे करते करते चलते हुआ आ रहा है। जिस चक्कर में सारी मेमोरी मेरे दिमाग में हैं, सोचते कि हाँ भी इसके बारे में सिस्टम लिखा था। ये टोटल यहाँ पे 10,000 साल पुराना, 10,000 साल में ऐसी होता है, कभी मर जाता फिर जिंदा होता, मरता जिंदा होता। तो ही सामने से कहता है अब डोंट वरी, टेंशन लेने कोई बात नहीं है, 10 साल तक भाई मरने जिंदा होने के बाद काफ़ी तकलीफ तुमने सह लिया है, लेकिन मेरे साथ रहते बारे में तुम्हें तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से प्लांट यहाँ पे सैड होकर कहता हाँ लेकिन 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 यार मैं 10,000 साल का यहाँ पे हो चुका ना। वैसा कहते कि जो बंदे 10,000 साल के हो जाते ना, एक बहुत ही बड़ा हेवली ट्रिब्यूलेशन उसका सामना उनको करना पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा बंदे लोग सह नहीं पाते और टपक जाते हैं और मर यहाँ पे जाते हैं। तो सामने से मतलब मैं भी मर ही जाऊँगा क्या, सामने से सुनता कि अभी 10,000 साल होने के बाद ऐसा कोई ट्रिब्यूलेशन का भी सामना करना पड़ता है, मैंने तो कभी सुना नहीं, शायद होता होगा। सामने से प्लांट कहता है कि देखो लॉजिकली आप मेरे दूसरे मास्टर यहाँ पे कहलाओगे, तो पहले मास्टर तो मुझे छोड़ के चले गए, क्या अभी मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे? यार एक काम करो छोड़ के चले जाओ, जैसे ट्यूबलेशन आएगा तकलीफ होगी, मैं आप मेरे साथ रहोगे आपको भी तकलीफ होगी, आपकी भी जिंदगी यहाँ पे झंड हो जाएगी, चले जाओ छोड़ के ताकि आपको तकलीफ ना हो। जो सुनते सामने सहन बड़े प्यार से कहता है कि नहीं भाई अब तो हमारा हो चुका है, इसलिए भाई ट्यूबलेशन या फिर कुछ भी आए आपन तुझे छोड़ के कहीं भी जाने लगा नहीं, आपन जहीं भी कहीं भी जाएगा आपन तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। जो सुनते प्लांट भी खुश हो जाता है और कहता है या या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और उसके जो है ना 5 स्टार का फेवरेटी इसको मिल जाता है। ये भी चौक जाता है कह रही यार ये लड़का लड़के तो छोड़ो भाई, ये जानवर हो आई मीन प्लांट द्वारा भी मिलता है यार, काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। एक सेकंड, ये प्लांट लड़का है या लड़की है? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है लड़का है या लड़की है? मैं खुद यहाँ पे कन्फ्यूज, इसलिए अपन कुछ नहीं बोलने वाले कि लड़के लड़की है, आगे चल के कन्फर्म मालूम चलेगा तो चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।